बंद करवाइए, उसके बाद सब निकल आएगा। लड़की को माया है। पहले 3 तारीख को हम लोग आए हुए थे, भगवानपुर में मिले हुए थे। तो उसी समय हम भैया को कॉल किए तो दोनों आदमी पकड़ा गया। रानी के द्वारा जो आवेदन करता है, सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और वो लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। एक अजीबो प्रेम की कहानी सामने आई है और उसका शादी भी अजीबो तरीके से किया गया है। आपको बता दें कि 9 साल से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रेमी का शादी कहीं और तय कर दिया गया था उसके परिजन के द्वारा, जिसके बाद जिसकी जानकारी प्रेमिका को हुई तो प्रेमिका महिला थानेदार के पास पहुँच गई और आवेदन लेकर साफ साफ कहा कि अगर उससे मेरी शादी नहीं होती है तो मैं मर जाऊँगी। और महिला थानेदार ने पूरी जानकारी ली और मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रेमी को बुलाया गया और जहां पर दोनों से पूछताछ की गई तो प्रेमी प्रेमिका ने स्वीकारा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद उनके परिजन से बुलाकर सहसहमति से उसकी शादी महिला थानेदार पुलिस ने की है और साइबर कैफे के भी पुलिस वहां पर मौजूद रही है। उन दोनों का शादी धूमधाम से किया गया है और दोनों काफ़ी खुश है। पूरे मामले को लेकर महिला थानेदार क्या कुछ कह रही है, आइए पहले सुनिए। बार बार शादी के झांसा देकर बतिया लेता था और जब शादी की बात आता था तो इनकार हो जाता था। फिर कैसे पहल हुआ मैडम, कैसे पहल किए महिला ऐसे छो थाना आई आप, पहल कैसे किया गया, शादी कैसे हुई आप लोगों की? कल आए हुए थे, कल थाना आए थे, उसके बाद क्या हुआ? इससे पहले 3 तारीख को हम लोग आए हुए थे, भगवानपुर में मिले हुए थे। तो उसी समय हम भैया को कॉल किए तो दोनों आदमी पकड़ा गया। उसके बाद खड़ाघाट में मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे पेपर ऊपर बना और लिखा पढ़ी सब हुआ। उसके बाद में ये बोला कि मेरे मामा जी बोले कि इसको थाना में भेजो, तो हम कहें कि नहीं, इसे थाना में नहीं भेजना है। तो ये बोला कि अथी हम इज्जत से शादी करेंगे दुरापर से। उसके बाद इसको हम ही छोड़वा दिए। उसके बाद ये घर गया तो ये बोला कि 5 आदमी से आइए दुरापर, उसके बाद हम इज्जत से कर लेंगे। तो ये घर गया, उसके बाद 5 आदमी को बुलाया, वहाँ पे बेइज्जती करवा के भेज दिया। आज शादी हो गई आप लोग की ना? हो गई। खुश हैं आप लोग ना? बताइए कैसे मामला आपका आया? लड़की के रानी के द्वारा जो आवेदन करता है सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और वो लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है और 1-2 बार संबंध भी बनाया है। आवेदन को लेके हम उसके घर गए, लड़का को उठा के लाए, शादी करोगे या जेल जाओगे, लड़का शादी के लिए तैयार हुआ। फिर दोनों की शादी करा दी गई, दोनों खुश हैं। आशीर्वाद वगैरह? हाँ, आशीर्वाद वगैरह दिए बढ़िया से, मेरे महिला थाना का पूरा टीम दिया, सब खुश हैं, सुबह से लगे हुए हैं। अभी शादी हुई, अभी घर जाएगी पति के पास। अच्छी पहल आपके द्वारा। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि जब प्यार। तो आपने सुना कि पूरा मामले को लेकर महिला थानेदार ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का है, जहां लड़की के चचेरे बहन के देवर से एक दूसरे से प्यार हो जाता है और जिसके बाद प्रेम की कहानी 9 साल से चल रही थी, जिसके बीच में ही उनके परिजन ने लड़का का शादी कहीं और तय कर दिया था, जिसके बाद लड़की को जानकारी हुई तो महिला थानेदार के पास पहुंच गई और आवेदन लिख कर दिया कि वो लड़के से प्यार करती है, उससे अगर शादी नहीं होगी तो वो मर जाएगी। तो पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए महिला थानेदार ने दोनों को परिजन को बुलाया, लड़कों को बुलाया, पूछताछ की गई, जिसमें लड़का ने स्वीकारा कि वो लड़की से प्यार करती है, जिसके बाद सहसहमति से लड़का लड़की की शादी की गई है और मिठाई भी बांटा गया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।